हरे कृष्णा राधे राधे। आज की कथा में श्री इंद्रेश महाराज जी ने बताया कि हम सबकी आसक्ति जो है संसार में ही क्यों है। बांके बिहारी जी में, वृंदावन में, राधा रमण जी में क्यों नहीं होती। क्यों हम हमारे घर में कुत्ता पालते हैं, उससे आसक्ति रखते हैं, पर हमारे बच्चों में इतनी आसक्ति नहीं रख पाते। तो चलिए सुनते हैं ये कथा ध्यान से। माता पिता को वो घर में पेट पाल रखा वो ज्यादा प्रिय है कि एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में था, मरने वाला था, तो मरते मरते उसने जीवन भर खूब भजन किया था। तो नारद जी महाराज ने जब उसकी मरणावस्था को देखा तो भगवान से कहा, भगवान इसको वैकुंठ बुला लीजिए। भगवान बोले, मैंने तो द्वार खोल रखे, तुम में सामर्थ हो तो इसको लाके दिखा दो। तो नारद जी गए, उससे जाकर के कहने लगे, हे भाई चल तेरे लिए वैकुंठ के द्वार खुलवा दिए मैंने, अब तो तेरा शरीर पूरा हो गया, चल मेरे साथ वैकुंठ। तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? बोले, मैंने इतना बड़ा घर बनाया, बच्चों को योग्य बनाया, पर ये बच्चे अभी भी थोड़े बुद्धि से कमजोर हैं, इसलिए इनका थोड़ा मुनाफा करवाऊंगा, मैं इनके पास ही रहूंगा। बोले, कैसे रहेगा, तेरे प्राण तो निकलने वाले हैं। तो व्यक्ति बोला, वो भैंस बन रही है ना? बोले, हाँ मैं उसका चिंतन करते हुए मरूंगा, उसका पड्डा बन के आऊंगा। तो उससे क्या होगा? बोले, उससे ये होगा कि भैंस का दूध बनेगा, तो ये बाहर से दूध इतना महंगा खरीद के लाते हैं, कम से कम घर में ही दूध आ जाएगा, थोड़ा तो मुनाफा होगा। नारद जी बोले, वाह भले आदमी, तेरे जैसा नहीं देखा मैंने किसी को। अब पड्डा बन के आ गया भैंस का बालक, भैंस के दूध हो गया खूब, बालक सब दूध निकाल निकाल करके घर में पीने लगे। अब वो पड्डा बड़ा मुस्कुरावे, बहुत अच्छा है, इनका पैसा तो बचा रहा हूं मैं, मैंने जन्म लिया भैंस का बालक बन के, मेरे बालक को खर्च तो नहीं करना पड़ रहा। नारद जी को उस पर दया आ गई, बोले बता अपने परिवार के लिए, बता भैंस का बालक बन के आ गया। जब वो भैंस के बालक से अब अपने अंतिम समय में आने लगा, नारद जी बोले, बोले अब तो तेरा काम पूरा हो गया, तेने दूध दूध के पैसा बचवा दिए बालकों के, अब तो चल दे मेरे साथ। बोले, नहीं नहीं अभी नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? बोले, बालक जो है ये बड़े जो है रात में तान दुपट्टा गहरी नींद में सोते हैं, इनका घर चौपट्टा सा खुला रहता है, मुझे बड़ी चिंता होती कहीं कोई चोर चकारे घुस गए तो। बोले, अब क्या सोच रहा? बोले, अब मैं कुत्ते का स्मरण करूंगा, अगले जन्म में कुत्ता बन के वफादारी करूंगा, इनके घर के बाहर ही घूमता रहूंगा। नारद जी बोले, वाह भले आदमी, कुत्ता बन गया, अब वो भारी रहता है, कभी उसमें घर के बालक की डंडा वंडा मार देते हैं। तो नारद जी कहते हैं, तेरे को मारते हैं तेरे को, कोई बात नहीं, है तो मेरे बालक ही, मेरे बालकों के बालक हैं, मैं दो पीढ़ी तो संभाल ली, मैं संभाल के जाऊंगा इनको। वफादारी करने लगा महाराज, चोर भी आ जाए तो उस पर भौंकता रात में। नारद जी महाराज बोले, बोले भैया बहुत लोग देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। जब कुत्ते के जीवन में भी उसका अंतिम समय आ गया तो नारद जी बोले, अब तो चल वैकुंठ, तेने तीन तीन जन्म गवा दी। बोले, नहीं नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले, तो अब क्या करेगा? बोले, अब सर्प बन के आऊंगा। क्यों? मेरे बालकों के बालकों ने बड़े शत्रु बना लिए, उनको जा जाके डसूंगा मैं, इनकी रक्षा करूंगा। सर्प बन के आ गया, घर के कोने में रहने लगा, और जैसे शत्रु आते थे कुछ करने के लिए तो वो आके उनकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता था, और महाराज उनके सामने। एक दिन उन घर के ही कोई बालक सर्प के पास, मतलब वहीं जा रहा था, तभी नारद जी भेष बदल के आए और घर के लोगों को बता दिया, वहां पर कोने में सर्प है, उसको पकड़वा दो। घर के लोग गए और उसी सर्प को पकड़ करके उसके मुंह काट दिया, उसका मृत्यु कर दी मार मूर के। फिर नारद जी उसको पकड़ के वैकुंठ में ले गए। बोले, अब तो तुझे आना ही पड़ेगा। वैकुंठ में जाकर के भी रोने लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा परिवार आपने छुड़वा दिया, अरे तीन पीढ़ियां मैंने संभाली थी और संभालता रहता। भगवान कहते हैं, बोले नारद, ये है संसार के लोग, ये इतने आसक्त हो चुके हैं, आसक्ति इतनी गंदी हो चुकी है इन सब के चित्त में कि इनको वैकुंठ की आवश्यकता नहीं है, ये भजन वैकुंठ का करते हैं, सुनते कथा में वैकुंठ है। पर आप सबको एक बात बता दूं, वृद्धावस्था जब हमारी भी आएगी ना, सत्य बता रहे हैं, उस समय पर हमको वैकुंठ का स्मरण नहीं होगा।
भागवत जी में कितनी बार प्रमाणित किया गया है कि भाई मृत्यु समीप आने पर भगवत स्मरण और भगवत सेवा का स्मरण, भगवत धाम का स्मरण बहुत कम लोगों को हो पाता है, सबको नहीं होता। मुक्ति की कामना सबको नहीं होती, उस समय इतनी ज्यादा आसक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो भैया आसक्ति तो हमारे चित्त में है, ये बात तो प्रमाणित है। हम आसक्ति, आसक्ति का मतलब समझते हैं, एक तो होता है मोह, और मोह की ही चरम स्थिति होती है आसक्ति। आसक्ति कैसी होती है? मोह का मतलब तो होता है कि एक बार को वो व्यक्ति दूर हो जाए तो भी हम रोएंगे, थोड़े बहुत देर चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर फिर भी रह लेंगे। आसक्ति कैसी होती है? वो व्यक्ति यदि दूर हो गया तो प्राणी निकल जाएंगे, ये आसक्ति है। आसक्ति हम सबके चित्त में है, पर ये आसक्ति संसार की वजह बिहारी जी से है जाए, ये आसक्ति राधा वल्लभ जी से है जाए, ये आसक्ति कथा से है जाए, ये आसक्ति वृंदावन से हो जाए। रस्सी तो हम सबके गले में है, पर वो खूंटा की जगह किसी गौशाला में बंध जाए, कहीं सुंदर स्थान पर हो जाए। आसक्ति तो है चित्त में, पर वो आसक्ति ठाकुर जी में क्यों नहीं हो रही है? उसी के लिए तो कथा है। तो भरत जी महाराज अपना राजपाट परिवार सब छोड़ के चले गए, पर आसक्ति कहां हो गई? एक हिरण के बालक में हिरण बन गए। सभी भक्त जनों को ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।